और आज बाबा साहब वृंदावन अम्बेडकर जिन्होंने आजादी के बाद भारत का संविधान बनाया और उसी संविधान पर आज हम सब लोग चल रहे हैं। और आज हम सब लोगों को पता है कि जब भी कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान की भी कसम लेते हैं, ईश्वर की भी कसम लेते हैं और ये कसम लेते हैं कि हम कहीं भी बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान को एक साथ उसमें लेकर के चलेंगे। तो आज आप सब लोग देख ही रहे हो ऐसे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देश के साथ क्या हो रहा है, संविधान भी खतरे में हो जाता है और देश के सामने क्या स्थिति है। कभी कभी हमारा देश सब परिस्थितियों में फंस जाता है। आज देश के सामने कितनी समस्याएं हैं जो अभी हमारे से पहले पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यहाँ विकास होना चाहिए और यहाँ पर हमें तो पता है कि सबसे पहले देवी केला मैया के अवसर पर अपना क्यों आए थे आपको ध्यान है, यहाँ के लोगों को ध्यान होना चाहिए। हम 1996 में आए थे, अली और बजरंग।